रानी सरकार की जय। आज नवरात्रि के अष्टमी तिथि महागौरी जी का दिन है और आज बरसाना श्री राधा रानी जी के दिव्य धाम में क्या सुंदर नज़ारा है इधर बरसाना धाम का। जय हो, राधा रानी की जय हो, वृषभानु नंदिनी की जय हो। अपना हम प्रसाद लिए हैं और बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के और ऊपर की तरफ चल रही है। राधे 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 राधे। कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज। कीरति सुता यानी कि राधा रानी जी की जो माता जी हैं उनका नाम है कीरत और उनके पिताजी का नाम वृषभान जी है। देखिए वहाँ वो उधर दिखाना अपना कैमरा, वो जो गुंबज दिखाई दे रहा है वो कीर्ति जी का मंदिर है और बहुत ही दिव्य मंदिर है कीरत जी का मंदिर। कीरत सुता के पग पग में प्रयागराज, इस प्रकार से सारे तीरथ सब राधा रानी के चरणों में हैं। हम लोग राधा रानी जी के दरबार में दर्शन के लिए आए हैं, अंदर चलते हैं, अंदर का दर्शन कराएंगे। प्रेम से राधे राधे गाते रहिए, जय जय श्री राधे। है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बा। राधा रानी के दरबार में अब हम प्रवेश करने वाले हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये बरसाना धाम का नज़ारा देखिए, जय जय श्री राधे। आज सत्य सनातन भीवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बरसाना धाम और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा परिकीर्तिता। तो आज अष्टमी है, आज महागौरी जी का दिन है और महागौरी जी के इस पावन शुभ अवसर पर श्री राधा रानी जी के दिव्य दरबार में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। बोलिए प्रेम से राधे राधे। श्री राधा रानी जी का दिव्य दर्शन, प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय जय श्री 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 राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, वृषभानु दुलारी की जय, श्री राधा जी का दिव्य दर्शन। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। बरसाने वाली बरसाने वाली, रस 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 बरसाने वाली बरसाने वाली। बोलिए प्रेम से श्री राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज शारदीय नवरात्र का अष्टमी तिथि और इस अष्टमी तिथि के पावन उपलक्ष्य में श्री धाम से चल करके बरसाना धाम श्री राधा रानी जी के दिव्य दरबार में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठ करके राधा रानी का स्तुति विनती कर रहे हैं। हे किशोरी जी, विश्व की रक्षा कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए, भारत माता के ऊपर अपनी कृपा बनाइए, सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम सत्य सनातन धर्म की रक्षा कर सकें। क्योंकि आज का जो समय है
इसमें धर्म के नाम पर लोग बिजनेस कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग धंधा बना दिए हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए किशोरी जी से हमारी यही हाथ जोड़कर के विनती है, हे किशोरी जी, इतना सामर्थ्यवान कीजिए कि जो लोग भी सत्य सनातन धर्म के ऊपर अपनी उंगली उठाने का प्रयास करें, उनका उंगली उठाने से पहले ही उनको रोक दिया जाए, क्योंकि इस समय देखने पर बहुत ही मन में कष्ट हो रहा है कि सनातन धर्म के ऊपर अच्छे अच्छे जो धर्माचार्य लोग हैं, वो धर्माचार्य अपनी गरिमा को बनाने के लिए, अपना पद प्रतिष्ठा बनाने के लिए, और वो लोग सत्य सनातन धर्म का अवहेलना कर रहे हैं, सत्य सनातन धर्म के बड़े बड़े आचार्यों के ऊपर अपना मनगढ़ंत कुछ भी शब्द वो बोल दे रहे हैं। तो हम तो आज ये शारदीय नवरात्र के आज अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी से यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म का हमेशा ध्वजा लहराया है आदिकाल से और अंत तक, इसका जब तक सूरज चांद रहे तब तक सत्य सनातन की ध्वजा हमेशा फहराते रहें। आज इसी उद्देश्य से मैं श्री वृंदावन धाम से बरसाना धाम में आए हुए हैं कि राधा रानी की कृपा हो और सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। हम किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, किसी से हमें लड़ाई की इच्छा नहीं है, लेकिन इतना हमें ज़रूर है कि जो व्यक्ति अपने सनातन धर्म पे अगर उंगली उठाने का प्रयास करे तो किशोरी जी उनकी उंगली पहले ही उठने से पहले ही उनकी उंगली डाउन हो जानी चाहिए। आज मैं मंदिर के सामने यही मैं दर्शन करा रहा हूँ और इस राधा रानी जी के दिव्य दरबार में यही मैं विनती कर रहा हूँ कि सत्य सनातन धर्म की रक्षा हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व में जितने भी प्राणी हैं सब लोग भगवान के नाम से दूर हो रहे हैं और वह आडंबर के चक्कर में पड़ रहे हैं। जो व्यक्ति बनावटी अपना स्वरूप दिखा रहा है, जैसे कि त्रेता युग में भी काल नेमी नामक व्यक्ति हुए जो कि हनुमान के जैसा मायावी रूप बनाए और बोले कि हनुमान तुम्हें अभी राम जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो, तो संजीवनी बूटी लेने से पहले तुम गुरु बनाओ हमको और हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। आज कलयुग में वही स्थिति हो गई है कि जिनको देखिए बस उनका ये है कि तुम हमें गुरु बनाओ, हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। लेकिन हनुमान जी ने गुरु बनाने से पहले ही गुरु दक्षिणा उनको दे दिया और काल नेमी को वहीं पर उनका अंत कर दिया। तो हम आज किशोरी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ढोंगी जो लोग गुरु बन रहे हैं और आडंबर गुरु दीक्षा दे करके और सत्य सनातन धर्म को डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हे किशोरी जी, हमारा यह सत्य सनातन जो है ये आदि अनादि से चला आ रहा है और इसके ऊपर किसी की नज़र न लगे और आपकी कृपा अहित की बनी रहे और सत्य सनातन की ध्वजा हमेशा लहराता रहे। मैं अभी चलता हूँ और थोड़ा बरसाना धाम का दृश्य दर्शन कराता हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। अब मैं यह बरसाना धाम की दिव्य सुंदरता का अवलोकन आप लोगों को करा रहा हूँ सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं जानता हूँ आप लोगों को मैं इतनी बात बताया, लेकिन जो लोग ढोंगी हैं, आडंबर हैं, उनको तो आप लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, लेकिन हमें अपने न लाइक से मतलब है, न सब्सक्राइब से मतलब है, न शेयर से मतलब है। हमें तो सत्य सनातन धर्म के लिए हमें लड़ना है और उनकी रक्षा करनी है। और आपका न लाइक चाहिए, न शेयर चाहिए, न सब्सक्राइब चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा आपसे यही आग्रह है, अनुरोध है कि आप सत्य सनातन के लिए, अपने भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, अपने सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उनके लिए आप आगे आइए। और देखिए क्या सुंदर ये बरसाना धाम का ये सुंदरता है, प्राकृतिक है। और यहाँ से कहा जाता है कि शिखर दर्शनम
पाप नाशनम। यहाँ से देखिए शिखर का दर्शन करना है, इधर राधा रानी जी के दिव्य शिखर का दर्शन कीजिए, क्योंकि दर्शन के उपरांत शिखर का दर्शन अनिवार्य होता है। वह पीला ध्वजा लहरा रहा है किशोरी जी का, यह दिव्य राधा रानी जी का दिव्य दरबार है, दिव्य मंदिर है। और मैं आचार्य शशिकांत पांडे सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर श्री धाम वृंदावन से श्री बरसाना धाम में आया हूँ। और बस यही मैं चाहूँगा कि राधा रानी की कृपा अहेतुकी हो, जो कि हमारा सत्य सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा लहराई है और आगे भी लहराती रहे। आज जो भी व्यक्ति सत्य सनातन धर्म के ऊपर कुछ भी गलत कदम उठाने का प्रयास करे तो उनको कदम उठाने से पहले ही वो बैठ जाए, राधा रानी की ऐसी कृपा हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे।